तो यदि आप चाहते हो इसी तरह के ट्रू ट्रस्ट एंड टेक वीडियो पाना तो YouTube पर हमारे चैनल टेक यू में ही आना। और अभी तक आपने वीडियो को आगे बढ़ने से पहले लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक से एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए बिना देरी करे चालू करते हैं। नवरात्रि आ रही है, बिग बिलियन डे भी स्टार्ट हो रहा है, कुछ नया देने की सोच रहे हो? चलो मैं आपको दो ऐसे स्मार्ट टीवी सजेस्ट कर रहा हूँ जो कि दोनों ही आपके पॉकेट प्राइस में सबसे बढ़िया स्मार्ट टीवी होने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में आखिरी तक और बिलीव करिए मैं आपको ऐसे दो टीवियों के बारे में बताऊंगा जो कि आपके पॉकेट प्राइस में भी होगा, बाकी लेना ना लेना आपका होगा, पर वीडियो देखने में तो आपका जेब का पैसा खर्च नहीं हो रहा, तो देखिए ना किसने रोका है। तो पहले मैं बात कर लूंगा आपकी थॉमसन की टीवी की। यस, मैं बात करने वाला हूँ इसमें थॉमसन 9A सीरीज का थॉमसन की टीवी की जो कि 32 इंच का होगा एंड सेकंड टीवी होगा रियलमी जो भी 32 इंच का ही होगा एंड दोनों की प्राइस में बस थोड़ा सा डिफरेंट है, बट दोनों में क्या डिफरेंस है टीवी में जमीन आसमान का है वो आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है। तो बने रहिए वीडियो में आखिरी तक। तो जैसे मैं स्टार्ट करूँ थॉमसन की टीवी से, तो थॉमसन की टीवी की मैं स्पेसिफिक फीचर्स की मैं बात करूँ एंड हाईलाइट्स की, तो जैसे आप स्क्रीन पे पीछे की तरफ देख पा रहे हैं थॉमसन की टीवी का साइज है वो 32 इंचेस है एंड 80 सेंटीमीटर है। ठीक, इसमें आपको बेजल्स देखने को नहीं मिलते, बिल्कुल लाइट की बेजल्स देखने को मिलते हैं, पतला सा बेजल है यार कहते हैं। एंड अगर इसकी हम स्पेसिफिक फीचर में जो ये सपोर्ट क्या करता है, तो सपोर्ट की जब मैं बात करूँ तो सबसे पहले बात आती है रैम एंड रोम की। सबसे पहले मैं बात करूँ इसके रैम की, तो इस टीवी में आपको रैम मिलता है 1GB का रैम एंड 8GB का रोम। यस, 1GB का रैम एंड 8GB का रोम, मतलब 8GB आपको स्टोरेज इस टीवी में देखने को मिलती है। तो ऑब्वियसली बात है कि हम बात करें ये कौन कौन सा ऐप सपोर्ट करता है, तो यहाँ पे जो आप लिस्ट देख पा रहे हैं ना गूगल से लेकर नेटफ्लिक्स तक, ये सारे ऐप्स ये सपोर्ट करता है। एंड मैं बात करूँ आपके इस टीवी का रेजोल्यूशन क्या है, तो 32 इंच में इसका जो रेजोल्यूशन है, 32 इंच की टीवी भी कोई छोटी टीवी नहीं होती, कभी आपने देखी बहुत बड़ी लगती है। 32 इंच के यदि मैं रेजोल्यूशन की बात करूं तो इसमें HD रेजोल्यूशन आपको देखने को मिलता है जिसका पिक्सल 1368x768 है। बात करूं इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो इसमें आपको एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलता है। एंड प्रोसेसर की भी हम बात करेंगे तो सबसे पहले इसकी मैं बात करूं स्क्रीन रिफ्रेश रेट की, जो कि हर टीवी और फोन में होता है ताकि फोन हैंग ना हो, तो जिसका स्क्रीन रिफ्रेश रेट है वो 60Hz का एक स्क्रीन रिफ्रेश रेट है। यस, एंड मैं बात करूं अब इसके प्रोसेसर की, तो इसमें प्रोसेसर में आपको ग्राफिक प्रोसेसर देखने को मिलता है जो कि एक चिपसेट प्रोसेसर है एंड इसके प्रोसेसर में भी आपको 450 का माली 450 देखने को मिलता है जो कि एक अच्छा ग्राफिक प्रोसेसर है, जो कि क्या बताता है, जो ये दिखाता है आपको कि जो इसका ग्राफिक्स होने वाला है इस टीवी का वो कैसा दिखने वाला है। ठीक, अब आ जाते हैं इसके कुछ हाईलाइट्स पे जो इस टीवी में आपको क्या क्या देखने को मिलता है। तो इस टीवी में आपको 3 HDMI पोर्ट्स, 2 USB पोर्ट्स, वाईफाई बिल्ट एंड क्रोमा कार्ड भी आपको इसमें देखने को मिल जाएगा और वो सारे सुविधाएं जो एक नॉर्मल टीवी में आती है वो इस प्राइस में आपको देखने को थॉमसन में मिल जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं रियलमी की, तो कंपेयर होगा। अब आप बात करें हम रियलमी की, तो रियलमी में भी आप ध्यान से सुनिएगा कि रियलमी में भी 32 इंच का ही एक डिस्प्ले देखने को मिलता है जो कि 80 सेंटीमीटर का है। बट मैं बताऊँ रिजोल्यूशन की बात करूँ तो जो थॉमसन का रिजोल्यूशन है वही रियलमी का रिजोल्यूशन है, दोनों ही HD एंड दोनों ही सेम रेजोल्यूशन पर सपोर्ट करते हैं एंड दोनों ही गूगल के ऑपरेटिंग सिस्टम पर बन करते हैं। पर दोनों में डिफरेंस क्या है, तो दोनों में डिफरेंस की मैं बात करूं तो दोनों में 20W का तो स्पीकर देखने को मिलता है, बट थॉमसन में आपको नॉर्मल स्पीकर देखने को मिलता है, वहीं रियलमी में आपको डॉल्बी एटमॉस का स्पीकर देखने को मिलता है। यहाँ पे हो जाता है रियलमी थॉमसन से आगे। एंड मैं बात करूँ स्क्रीन रिफ्रेश रेट की, तो दोनों में स्क्रीन रिफ्रेश रेट तो 60Hz है, पर दोनों के मैं यदि बात करूं बटन में तो अर्ली एक्सेस इसमें के रिमोट के बटन में अर्ली एक्सेस मिलता है गूगल असिस्टेंट का रियलमी में, पर थॉमसन में ऐसा नहीं है। एंड मैं और फीचर्स की मैं बात करूं तो जो कलर इनहेंस क्वालिटी है वो रियलमी की बेटर है थॉमसन से, क्यों? क्योंकि दोनों के HD तो बराबर है पर दोनों की जो इनबिल्ट क्वालिटी है वो दिख रहे हैं। और मैं स्पेसिफिक फीचर और आपको बता दूं कि रियलमी में आपको केवल 2 HDMI पोर्ट्स मिलेंगे। बात करें प्रोसेसर की, तो इसमें भी आपको ग्राफिक प्रोसेसर मिलता है जो चिपसेट प्रोसेसर है एंड इसके प्रोसेसर का जो ग्राफिक है वो है माली से 470। यस,
Mali 47 जो कि थॉमसन के प्रोसेसर से 20+ तो एक्स्ट्रा है। तो अब बात कर लेते हैं बिना यहाँ वहाँ भर के इन दोनों की प्राइस की, क्योंकि दोनों की कंपैरिजन तो देख लिया कि दोनों में सेम सेम क्या है एंड दोनों में सेम डिफरेंस ये कि जो रियलमी का डिस्प्ले क्वालिटी है वो बेटर है थॉमसन के डिस्प्ले क्वालिटी से। एंड रियलमी में आपको मिल जाते हैं कुछ ब्रांडेड चीज लाइक एटम बॉम्ब से स्पीकर देखने को मिलता है जो कि थॉमसन में देखने को नहीं मिलता। एंड इसमें भी डिस्प्ले जो क्वालिटी है थोड़ी इनहेंस हुई और क्या मिल जाता है बाकी प्रोसेसर आपको इसमें रियलमी में अच्छा मिल जाता है एज कम्पेयर थॉमसन के। तो थॉमसन तो यहाँ जीतता है बट दोनों की प्राइस की मैं बात करूँ तो थॉमसन की जो प्राइस है वो 799 मतलब कि 7999 रुपए है 7999 रुपए की थॉमसन की प्राइस है। एंड बात कर लूँ मैं रियलमी की तो रियलमी के टीवी का प्राइस है 9999 यानी कि 10,000। तो जो प्राइस डिफरेंस है उस थोड़ी सी प्राइस डिफरेंस की वजह से दोनों में ऊंच नीच तो थोड़ी बहुत होगी ही बट दोनों ही टीवी अपने प्राइस पर बेस्ट हैं। आप 7,000 से 8,000 पे करते हैं तो थॉमसन आपके लिए कोई घाटा नहीं है क्योंकि यदि गूगल असिस्टेंट आपको ना दिया जाए तो भी आपका काम करने वाला है क्योंकि टीवी तो परफॉर्मेंस सेम देने वाली है ना क्योंकि दोनों में ही एंड्रॉइड के ही एंड गूगल के ही ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलते हैं और बिल्ड क्वालिटी भी दोनों की अच्छी है बट डिस्प्ले में थोड़ा सा आपको कलर इनहेंस में बस फर्क देखने को मिल सकता है। एंड रियलमी में भी बात करूँ तो रियलमी में भाई गूगल असिस्टेंट मिल रहा है बाकी तो रिमोट एक्सेस सारे हैं ना इसमें थॉमसन में भी और रियल में भी। तो दोनों ही टीवी अपनी अपनी जगहों पर बेस्ट है तो कौन सा टीवी आपको पसंद आया आप कमेंट में बताइए। और हमारा नेक्स्ट आने वाला वीडियो जो होने वाला है रियलमी एंड रियलमी नियो पर तो आप उसे देखना ना भूलें और उस वीडियो में हम दोनों ही टीवी के कंपैरिजन और फुल डिटेल्स चेक करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे इस टेक ट्यूब में और जब तक चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें बिना मत जाइएगा क्योंकि यहाँ पे जो कंटेंट आता है वो आपके भूख के हिसाब से आता है और भूख कैसी लगी है कि खाना मिल जाए खाने में मजा ही आ जाता है वह। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय।